आप तमाम नासरीन का एवरी टाइम्स न्यूज चैनल में खैर मकदम है। हैदराबाद से चित्तौर जाने वाली एक बस में भयानक आग लगने का अफसोसनाक वाकया पेश आया। हैदराबादी खातून हुई हलाक, 12 मुसाफरीन हुए शदीद तौर पर जख्मी। दिलखराज सड़क हादसे का वीडियो हुआ वायरल। हैदराबाद से रियासत आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ जाने वाली खानगी ट्रैवल बस में हादसे के बाद भयानक आग भड़क उठी। जराये के मुताबिक ये बस कल रात हैदराबाद के मियापुर इलाके से चित्तौड़ जा रही थी। बस में जुमला 32 मुसाफरीन सवार थे। बस जैसे ही जिला गढ़वाल नेशनल हाईवे 44 पर एरावली चौराहे के पास पहुंची, अचानक बस बेकाबू होकर सड़क पर उलट पड़ी। बस उलटने के साथ ही आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में एक खातून जिंदा जलकर हलाक हो गई, जबकि 12 मुसाफरीन इस वाकये में शदीद तौर पर झुलस गए। आग लगने के नतीजे में पूरी बस मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गई। जख्मियों को फौरी तौर पर बगर्ज इलाज करनूल के अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे के बाद इस मसरूफ तरीन सड़क पर शदीद ट्रैफिक जैम का मसला पैदा हो गया था। इब्तदाई इतलात के मुताबिक ड्राइवर पर नींद का गलबा तारी हो गया था, जिसकी वजह से ये इंतहाई दिलखराश व जानलेवा सड़क हादसा पेश आया। मजीद तफसीलात का अभी इंतजार है। आपने समंदर तो देखा ही होगा, क्या कभी समंदर के अंदर जाकर देखा है? तो चलिए देखते हैं जमीन पर समंदर जैसा नजारा। नामपल्ली एग्जीबिशन में पहली बार दुबई सिंगापुर जैसा आलीशान अंडर वाटर फिश टनल। दुनिया भर के 100 से ज्यादा किस्म के इंपोर्टेड फिश, जैसे एलिगेटर, शोवेल नोज, कैट फिश, पायरेट फिश, पिराना, इलेक्ट्रिक फिश और भी कई किस्म के फिश जो आपने कभी नहीं देखा होगा। अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ चले आए और इस बेहतरीन नजारे का मजा लें। अंडर वाटर फिश टनल एट नामपल्ली एग्जीबिशन, अपोजिट पिस्ता हाउस।